नमस्कार, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सेवई फूड कस्टर्ड की रेसिपी। चलिए इसे बनाते हैं। सेवई कस्टर्ड बनाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सेवई। यहाँ पे मैंने पतली वाली सेवई का यूज़ किया है, आप चाहें तो जो थोड़ी सी मोटी वाली आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सेवई को मीडियम फ्लेम पे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे रोस्टेड सेवई का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में सभी को ये पतली वाली सेवई बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये सेवई फूड कस्टर्ड इस पतली वाली सेवई से बना रही हूँ। सेवई हमारी भुन चुकी है, अब हम पैन हटा लेंगे और इस पे रखेंगे दूध। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध का यूज़ किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, इसे हम मिक्स करेंगे और इसे बॉयल होने देंगे। जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो एक बाउल में हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे। इसमें हमें कस्टर्ड घोलना है, हम कस्टर्ड पाउडर को डायरेक्ट दूध में ऐड नहीं करेंगे। मैं इस बाउल में ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कस्टर्ड। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। दूध बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बाउल में कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा है। इसे धीरे धीरे गिराते हुए हम दूध में मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर बॉयल करेंगे। ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सेवई भून के रखा है। सारी सेवइयाँ हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें मिक्स करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से सेवई कस्टर्ड में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे मिक्स करें। सेवई को अब हमें ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने सब्जा सीड को पहले ही भिगो कर रख दिया था, देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है। यहाँ पर थोड़े से मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं और ये सेवई हमारी ठंडी हो चुकी है। अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। आप इसे किसी भी बाउल या ग्लास में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1-2 ग्लास लिए हुए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से सब्जा सीड और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी सेवई। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने बनाना, ग्रेप्स, एप्पल और पोमेग्रेनेट का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स के ऊपर एक बार मैं फिर सेवई का एक लेयर और लगाऊंगी और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा फ्रूट रखूंगी। सेवई फूड कस्टर्ड बनकर तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट होता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।